दोस्तों आज मैं BARC चेंबूर की तरफ से जा रहा हूँ मरीन ड्राइव की ओर और इसके लिए मैं ड्राइव करने वाला हूँ जो ईस्टर्न फ्रीवे है, यानी कि एक कंट्रोल्ड हाईवे की तरह एक रोड है जो समुद्र के बेहद करीब से गुजरता है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोड है क्योंकि मुंबई के ट्रैफिक में ना जो आपको बहुत मुश्किल हो जाती है गाड़ी चलाने में, उससे काफ़ी अलग तरह का ट्रैफिक आपको मिलता है इस रूट पर। यहाँ पर आपको बहुत ही कम ट्रैफिक मिलेगा और बहुत अच्छे रोड भी मिलेंगे। ईस्टर्न फ्रीवे लगभग 16 किलोमीटर रेंज का एक रास्ता है और मुझे टोटल मिलाकर के 18 किलोमीटर ड्राइव करना है क्योंकि मैं मुंबई के चेंबूर वाले एरिया से जा रहा हूँ मरीन ड्राइव की ओर, और ईस्टर्न फ्रीवे जो है वो साउथ मुंबई को जोड़ता है चेंबूर के इलाके से। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग ड्राइव एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस ड्राइव बिकॉज ये एक नया तरह का रास्ता है जहाँ पर मैं ड्राइव करूँगा। और ईस्टर्न फ्रीवे की टनल भी जो है वो मुझे एक्सपीरियंस करके देखनी है क्योंकि मुंबई में सेंट्रल गवर्नमेंट ने MMRDA से ये रास्ता बनवाया है एंड दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग फॉर मुंबईकर्स टू ड्राइव एंड रीच समवेयर वेरी फास्ट। चेंबूर के इलाके से CST के रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए पहले जहाँ पे 45 मिनट से एक घंटे का वक्त लग जाता था, वहाँ पर सिर्फ 10 से 20 मिनट में वो लोग पहुँच जाते हैं इस रूट की वजह से, और रास्ते में आपको वो भी नज़र आएगा। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मरीन ड्राइव में जो कि बहुत ही खूबसूरत एरिया है मुंबई का, और यहाँ पर हमेशा आपको बहुत अच्छी एक्जॉटिक कार्स भी ड्राइव होती हुई दिखेंगी बहुत ही फास्ट स्पीड में। मरीन ड्राइव एक्चुअली सी लिंक के पास में बहुत अच्छा व्यू देता है आपको समंदर का, और यहाँ पर ड्राइव करने में भी मज़ा आता है, कई सारी गाड़ी यहाँ पर पार्क भी हो जाती है। थोड़ा सा रिस्क लगता है एंड थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस भी है, यहाँ पर मास्क वगैरह पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड बी वेरी सेफ।
दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको बताता हूँ पार्किंग रिलेटेड एक बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन जो कि है NGF 132 का पार्किंग टैग। इस पार्किंग टैग को लगा लेने की वजह से आप अपनी गाड़ी को काफ़ी सिक्योर तरीके से किसी भी इलाके में पार्क कर सकते हैं अपने शहर में। जब भी आपकी गाड़ी किसी ऐसे पार्किंग पर लगी है जहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया या किसी और की पार्किंग है तो आप अपनी गाड़ी को सिक्योरली वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। और अगर किसी को आपकी गाड़ी की पार्किंग से प्रॉब्लम होती है तो आपके NGF 132 के पार्किंग टैग में लगे QR कोड से स्कैनिंग करके आपको कस्टम मैसेज भी भेज सकते हैं, आपको कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी किसी प्रॉब्लम में है तो टैग में लगे इमरजेंसी नंबर से वो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर भी कॉल कर सकते हैं। तो इस पार्किंग टैग को परचेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर के भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।